नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीबीटी न्यूज पर। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन गेंद पर छेड़छाड़ और बॉल टैम्परिंग के आरोप में स्टीव स्मिथ पकड़े गए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने मीडिया के सामने स्वीकार कर लिया है कि वो गेंद की हालत में फेरबदल की योजना का हिस्सा थे और उसके बाद वे सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज हो रहे हैं, बहुत फैंस उनसे नाखुश हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के अंडर आने वाले ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कमीशन के आदेश के बाद आईपीएल में स्टीव स्मिथ को कप्तान के रूप में हटाने का फैसला किया है। यह नतीजा शनिवार को केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड में तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन गेंद के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पकड़े जाने के एक दिन बाद आया है। फरवरी में इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें संस्करण के लिए राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी स्मिथ को सौंप दी गई थी। राजस्थान रॉयल्स इस साल 2 साल के बैन के बाद आईपीएल में वापस आ रहे हैं। वर्तमान में विश्व क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में से एक स्टीव स्मिथ 2014 और 2015 में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे और फ्रेंचाइजी ने इसे बरकरार रखा था। विशेष रूप से स्मिथ ने पिछले साल आईपीएल के फाइनल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का नेतृत्व किया था, जहां वे चैंपियन मुंबई इंडियंस से हार गए थे। उनके लिए एक सफल सीजन में स्मिथ ने पिछले आईपीएल सीजन में 15 मैचों में 472 रन बनाए थे। अब बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान रॉयल्स का अगला कप्तान कौन होगा। अगर राजस्थान रॉयल्स द्वारा स्टीव स्मिथ को बर्खास्त कर दिया गया है, जो आईपीएल के 11वें संस्करण के रूप में उनके अगले कप्तान थे, इस सीजन के लिए उनके रैंक में बहुत सारे स्टार खिलाड़ी हैं और वे जल्द ही अपने नए कप्तान की घोषणा कर सकते हैं। एक संभावना है कि अजिंक्य रहाणे को कप्तान के लिए इजाजत दी जा सकती है, क्योंकि वह शांत क्रिकेटर हैं और चीजों को उचित तरीके से संभालने के लिए जाने जाते हैं। उनके पास बेन स्टोक्स का विकल्प भी है, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि वो स्टोक्स को कैप्टन बनाएंगे। स्टीव स्मिथ के पकड़े जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्रिकेट और आईपीएल संबंधी ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल सीबीटी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।